सो सबसे पहले सॉन्ग बहुत ही अच्छा है अनीता, सब ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिया आपको, आपके हस्बैंड से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है इस सॉन्ग को लेकर? आपके हस्बैंड ने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है? अभी तक दिया नहीं, अभी दे दीजिए। नहीं, बट ऑल्सो माई कॉम्प्लीमेंट इज दैट शी लुक्स वेरी गुड विथ पोल, उससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट। सो सॉन्ग के बारे में बात की जाए तो फिर पंजाबी गानों का काफ़ी ट्रेंड है, तो फिर पर्टिकुलरली पंजाबी गाना ही चूज़ किया गया है, हिंदी क्यों नहीं? सोनीता, आपने जैसे कि दोनों के साथ रोमांस कर ही लिया, बेस्ट आपको बेस्ट मोमेंट्स किसके साथ था, आपको मज़ा किसके साथ सबसे आया? ओके टॉकिंग अप, सो नागिन ठीक है बात की जाए तो ऑफ एयर होने वाला, तो क्या कहेंगे, कितना मिस करेंगे आप इसे? सो ऑन स्क्रीन तो आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा देखी गई, ऑफ स्क्रीन क्या कुछ मस्ती होती है, कितना एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है? सो पहली क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि आप नागिन भी सीक्वल में आए हैं और आप बेपना सीक्वल में, क्या आप सीक्वल ही चॉइस कर रहे हैं आजकल? सो जैसे कि नागिन 3 में भी आप दो हसीनाओं के इर्द गिर्द थे और अब बेपना में भी दो हसीनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाले, तो क्या क्या फीलिंग होती है जब दो दो हसीने अपने आस पास होती है? सो अब आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने मिलने वाले हैं? मोनी आ रही है। सो जैसे कि हमने प्रोमो शूट भी देख लिया, तो कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस मोनी के साथ? सो जाते जाते फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या कहेंगे? सो लास्टली अगर फैंस के लिए अपना सॉन्ग ही थोड़ा गुनगुनाते जाए तो बहुत अच्छा, एक बार फिर सो जाए। Next time, I'm gonna sing and I'll be teaching. Thank you.